साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली में कारोबारियों पर चल रहे सीलिंग के हथौड़े की ग्राउंड रिपोर्ट। साथ ही आपको दिखाएंगे आज तक ने कैसे उठाया वित्त मंत्री के सामने मिडिल क्लास का सवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। इसके अलावा बात होगी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षा की, क्योंकि गुरुग्राम के प्रद्युम्न हत्याकांड और मथुरा में चाकूबाजी के बाद दिल्ली में भी एक छात्र की मौत हुई। लेकिन ये तमाम खबरें आगे होंगी। बड़ी खबर आज दिल्ली से, नया सीलिंग को लेकर कारोबारी आज सड़क पर हैं। 7 लाख कारोबारी प्रदर्शन कर रहे हैं, 5,000 जगहों पर ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सीधे रुक करते हैं चांदनी चौक का, दिल्ली का सबसे पुराना सबसे बड़ा बाजार। संजय शर्मा वहां मौजूद हैं। संजय, क्या दिख रहा है अभी वहां पर? दिल्ली में सीलिंग बंद करो, यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, इलाके का बाजार बंद है, बंद का मिला जुला असर है। फिलहाल इनका ऐलान 48 घंटे के बंद का है, लेकिन अघोषित रूप से 72 घंटे का बंद हो जाएगा। व्यापारियों की जो मुख्य मांग है उसे लेकर ये लगता है पुरानी कहावत है, लाड देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, और लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। इन्होंने जोड़ दिया कि नोटबंदी से किसान बिगड़े और सीलिंग से व्यापारी। हम इनसे बात करते हैं, इन्होंने सीलिंग के प्रति के अपने गले में लटका रखे, हाथों में कटोरे ले रखे। इनका नारा है मोदी तेरे राज में कटोरे आ गए हाथ में। नाम क्या है और आप लोगों का जो 48 घंटे का बंद है, लेकिन सरकार कह रही है कि वो अध्यादेश लाके कुछ ऐसा उपाय करने वाली है? मेरा नाम बृजेश गोयल है, मैं कन्वीनर हूँ चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का। 72 घंटे का महाबंद CTI ने बुलाया है, और देखिए पिछले एक महीने में 1,000 से ज़्यादा चलती दुकानों को सील कर दिया गया बिना किसी नोटिस दिए। और ये जो मास्टर प्लान एक्ट है, हमारी मांग है कि मास्टर प्लान एक्ट जो 2021 है इसमें बदलाव किया जाए, FAR को बढ़ाया जाए, और जो स्पेशल एरिया चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, खारी बावली, नया बाजार, करोलबाग, कश्मीरी गेट, जो मुगलकालीन बाजार है, इनको कन्वर्जन चार से छूट दी जाए स्पेशल एरिया का। जो भी ये अलग बात है कि सरकार भी अपनी तरफ से उपाय कर रही है सीलिंग से निजात दिलाने के लिए। 48 घंटे के लिए बंद बुलाया गया है और 7 लाख दुकानें होंगी जो सीलिंग से प्रभावित होंगी। संजय आपके पास लौटेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार 5 मिनट पर बात सब मीनाक्षी एक ऐसे मामले की करेंगे जो गुरुग्राम के रेयान स्कूल में प्रद्युम्न मामले से दरअसल मिलता जुलता है। भले इस हत्याकांड में अब तक आप कई बातें भूले नहीं होंगे, बिल्कुल उसी तरह से एक बार फिर से दिल्ली के एक स्कूल में नवी के छात्र का शव मिला है। छात्र का शव स्कूल के बाथरूम से संदिग्ध हालत में पाया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र तुषार की साथी से झड़प हुई थी। तुषार की मौत कैसे हुई ये साफ नहीं, लेकिन साजिश या हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता। मातम की तस्वीरें रोंगटे खड़े करती हैं। एक माँ अपनी इकलौती औलाद को खो चुकी है, परिजनों से छूट गया है उनके बच्चे का साथ, संदिग्ध अवस्था में टूट गई है 9वीं के छात्र तुषार की सांसें। हमेशा के लिए तस्वीरों में कैद होकर रह गया है तुषार नाम का ये बच्चा। दिल्ली के खजूरी खास इलाके के सादतपुर में नर्सरी स्कूल में 9वीं का छात्र था तुषार। हमेशा की तरह स्कूल पहुंचा था, लेकिन किसे मालूम था कि अपने पैरों पर चलकर स्कूल गया तुषार कंधों पर लौटेगा, मौत के लिफाफे में लिपटा हुआ लौटेगा। उसकी स्कूल में लड़ाई हुई थी लड़के उसके फ्रेंड के साथ, क्लासमेट के साथ, किसी के साथ लड़ाई हुई थी। लड़ाई होने के बाद वो सर बेहोश हो गया था। वो हमें पता लगा बेहोश हो गया, स्कूल वाले बता रहे थे, कहते उसकी डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जब पता लगा हॉस्पिटल, मावी हॉस्पिटल में ले गए थे सर, हॉस्पिटल में से लेके वहाँ पर एडमिट नहीं करा क्योंकि वो मर चुका था हॉस्पिटल में ऑलरेडी। परिजनों का आरोप है कि तुषार का उसके स्कूल में किसी बच्चे से झगड़ा हुआ था। परिजनों को बताया गया कि झगड़े के बाद बच्चा बेहोश हो गया है। परिजन पहुंचे तो बच्चे को पास के मावी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मावी अस्पताल से बच्चे को GDP अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इतनी भागदौड़ से पहले ही बच्चा मर चुका था। यहाँ से कॉल आई कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, उसे लेने आ जाओ। अब उसको लेने के लिए मतलब जाने के लिए लगे तो सीधा मावी में ये ले गए स्कूल वाले। फिर यहाँ पता लगा कि यहाँ से रेफर कर दिया वहाँ पे GTV, और वहाँ जाके पता लगा कि बच्चा मरा हुआ है। मैंने खुद डॉक्टर से पता करा, मैंने सर ये कैसे कैसे मतलब बताओ सर ये क्या हुआ, तो कह रहे कि 2.5 घंटे पहले ही मौत हो चुकी है इसकी। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने बच्चे की मौत का सच छिपाया, क्योंकि बच्चे की मौत स्कूल में ही हो गई थी। दिल्ली पुलिस की भी माने तो बच्चे का शव
स्कूल के बाथरूम में संदिग्ध हालत में मिला था। बच्चे के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं है, तो फिर सवाल ये है कि बच्चे की मौत कैसे हुई, बच्चे का शव बाथरूम में कैसे मिला, क्या बच्चे को बाथरूम में ही किसी ने मार दिया, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्कूल प्रशासन ने बच्चे की मौत का सच परिवार से क्यों नहीं बताया। रोहतास यादव, दिल्ली आज तक। हालांकि इस मामले में मीनाक्षी कई तथ्य ऐसे हैं जो सामने आना बाकी हैं और उस पर अभी जांच पुलिस फिलहाल कर रही है। बहरहाल रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में नवीं कक्षा के छात्र का शव स्कूल के बाथरूम से मिला, तो वहीं जोधपुर में 11वीं के दो छात्रों में खूनी झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। क्लासरूम के अंदर एक छात्र ने दूसरे पर कैंची से कई वार किए, जख्मी छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सवाल उठते हैं कि कम उम्र के बच्चों और किशोरों को क्या हो रहा है, वो हत्या बलात्कार जैसे अपराध कर रहे हैं, यहां तक कि अपनी मां को मारने तक जैसा जघन्य अपराध कर रहे हैं। क्लासरूम के भीतर दो छात्र एक दूसरे को मार डालने पर उतारू हैं। दोनों एक दूसरे पर तमाचे और घूसे बरसा रहे हैं, मगर इस सफेद शर्ट पहने लड़के के हाथ में कैंची है जो नीली शर्ट वाले छात्र पर जानलेवा हमला कर रहा है। तस्वीरें जोधपुर के भदवासिया स्कूल की हैं। एक दूसरे पर हमला कर रही ये दोनों 11वीं के छात्र हैं। इस मारपीट की तस्वीरें शुरू से देखिए। क्लासरूम में शिक्षक नहीं है, दोनों छात्र आसपास ही बैठे हैं, दोनों में कुछ कहा सुनी होती है। अचानक ये पहला छात्र उठता है और दूसरे पर तमाचे बरसाना शुरू कर देता है, और फिर ये दूसरा छात्र कैंची से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है। खून खराबे के बाद इस छात्र को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो स्कूल वाले उसको हॉस्पिटल लेके गए, पता चला कि उसके हार्ट पे लगी है। तब स्कूल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे देखे, उसके अंदर लड़के झगड़ रहे थे आपस में, उसने मेरे भाई के यहाँ हार्ट पे कैंची से वार किया और वार करके वो भाग गया वहाँ से। उसकी अभी हालत थोड़ी सीरियस है, वो बोल नहीं पा रहा है मुझसे। जिस वक्त क्लासरूम में ये खूनी झड़प हुई, उस वक्त क्लासरूम में शिक्षक मौजूद नहीं थे। वो टीचर पढ़ा रही थी, वो दूसरे बच्चे के कोई नक्शे ही आ गई थी बैठे बैठे के, तो उसको लेकर ऑफिस में आई थी। उस बिना मॉनिटर खड़ा था और लड़ने के बाद में शायद उसके यहाँ चेस्ट पे लगी है, जिससे उसे खून भी आया। मगर सवाल ये है कि सहपाठी छात्रों में खून खराबे की स्थिति कैसे बन गई? इस खूनी जंग के जिम्मेदार वो माँ बाप हैं जो बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या स्कूल प्रशासन जिसके गैर जिम्मेदारी के चलते स्कूल में बच्चे इतनी हिम्मत दिखा लेते हैं कि क्लासरूम में अपने ही सहपाठी को लहूलुहान कर दें। आज तक ब्यूरो। तो राक्षी, जो शिक्षा का मंदिर होना चाहिए वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, एक दूसरे पर चाकू से वार और मारपीट। मीनाक्षी, अब बात कासगंज दंगे की कर लेते हैं, क्योंकि राजसभा में अब से थोड़ी देर पहले कासगंज हिंसा पर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने कासगंज दंगे को सरकारी दंगा करार दे दिया, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के हो हल्ला करने पर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस बीच कासगंज से खबर ये आ रही है कि चंदन गुप्ता के पिता को धमकियां दी गई हैं। उन्होंने सरकार से गुजारिश भी की है कि उनकी उन्हें सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा बढ़ाई जाए, लाइसेंसी हथियार तक की मांग की। तो कासगंज हिंसा में मारे गए चंदन गुप्ता के परिवार को अब धमकियां मिल रही हैं, और चंदन गुप्ता के पिता की माने तो कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें सरेआम धमकी दी कि वो इस मामले में कदम पीछे खींच ले, वरना ठीक नहीं होगा। हैरत की बात यह है कि कासगंज में इतनी धरपकड़ के बाद भी अपराधियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। क्या उन्हें कानून या पुलिस का खौफ नहीं? जी, मैं बाहर बैठा हुआ था, तो कुछ लोग मोटरसाइकिल पे आए, सुबह की बात है, ये 9-10 बजे करीब, तो ये कहते हुए एक सेकंड के लिए रुका उन्होंने, तो जेल जा रहे हैं हम, अभी बहुत हैं यहाँ पर, हम तो लोगों को देख लेंगे, हमसे दुश्मनी मत लो। कासगंज की गलियों को गर्दिश में डाल देने वाले गुंडों की ये नई धमकी है। चंदन गुप्ता को मौत के घाट उतार देने वाले उपद्रवियों के निशाने पर अब चंदन गुप्ता का परिवार है। पिता को धमकी मिली है कि मामले को आगे न बढ़ाएं, वरना देख लिया जाएगा। ये कहा उन्होंने कि हमसे दुश्मनी मत लो, अभी तो एक चंदन मारा है, चंदन मारेंगे,
वही तो जा रहे हैं जेल, अभी हम तो यहाँ पर हैं, थोड़ी नहीं जेल जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, मतलब खतरा है? खतरा है बिल्कुल, हमारी जान को खतरा है। इस धमकी को नजरअंदाज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि कासगंज में हिंसा करने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। एसटीएफ जांच कर रही है। मुख्य आरोपी सलीम गिरफ्तार हो चुका है। जो आरोपी हैं, उनके घर पर कुर्की हो रही है। आज नहीं तो कल उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचना है, इसलिए पीड़ित को धमका रहे हैं आरोपी। खतरा है बिल्कुल, हमारी जान को खतरा है, मेरे बेटी के लिए भी खतरा है जी। अतः मैं जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहूँगा, माननीय योगी जी से कहना चाहूँगा कि हमको अपनी रक्षा के लिए कम से कम 2 शस्त्र लाइसेंस दिए जाओ। आरोपी सलीम ने पुलिस से पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में मुख्य आरोपी सलीम ने माना है कि उसके भाई वसीम और नसीम ने भी गोलियां चलाई थी। सलीम ने यह भी कबूल किया है कि उसके घर में पहले से ही तमंचे, पिस्तौल, बम और कारतूस मौजूद थे। पूछताछ के बाद गुरुवार को सलीम को कोर्ट में पेश किया गया और फिर उसे जेल भेज दिया गया। चंदन के पिता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन चंदन के घर पर उसके पिता को धमकी देने वाले लोग कौन थे? चंदन के पिता को सरेआम मिल रही धमकी से साफ हो जाता है कि उपद्रवियों में अभी भी पुलिस कानून का खौफ नहीं है। आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। मीनाक्षी, समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल ये सरकारी हिंसा थी और पूरी तरह से इसे सुनियोजित तरीके से किया गया था। बहरहाल इसी के साथ 1 और 11 में बस इतना ही। सोमवार को फिर हाजिर होंगे 11 बजे खबरों के डबल डोज के साथ। अब तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें, सबसे तेज सबसे सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट www.aajtak.in के साथ और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।